हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक विज्ञान की प्रैक्टिस श्रृंखला लेके आ गया हूँ। और आज की हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला नंबर है 8। आज हम 8वीं प्रैक्टिस श्रृंखला को लेके आए हैं विज्ञान की। इसके पहले हमने 7 वीडियो बना लिया है, जो आपने नहीं देखा हो तो कृपया कर जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो आज हम 8वीं प्रैक्टिस श्रृंखला लेके आए हैं, आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज हमारा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। हमें बताना है जो ओजोन परत रहती है वह किस मंडल में पाई जाती है। तो मित्रों, इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि कितनी मंडल हैं टोटल। तो आपको पता रहना चाहिए टोटल मिला के हमारी कितनी मंडल होती हैं, वो होती हैं 5। कितनी मंडल हैं? 5, जिनमें से कुछ के नाम तो आपको यहीं पर दिए गए हैं। जैसे हम बात करें क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरे नंबर पे आता है हमारा मध्य मंडल। कौन सा आता है? मध्य मंडल आता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन आता है? तो चौथे नंबर पे आता है आयन मंडल। कौन आता है चौथे नंबर पे? आयन मंडल। पांचवें नंबर पे कौन आता है? बहिर मंडल। अब इनके बारे में और ये भी याद रखना है आपको मित्रों कि जो क्षोभ मंडल की लंबाई है, कह सकते हैं अपन, या ऊंचाई, वह 0 से लेकर 18 किलोमीटर है। कितनी है? 18 किलोमीटर। किसकी? क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की 0 से 18 किलोमीटर। अगले की बात करें, अगला कौन है? समताप मंडल होता है। 18 से कितना है यह? 18 से होता है 50। कितना होता है? 50। तो फिर 50 से 80 कौन था? 50 से 80 हमने थर्ड नंबर पे पढ़ा। किसको? थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा मध्य मंडल को। तो उसकी कितनी होती है? 50 से 80 होती है। कितनी होती है? 50 से 80 होती है। उसके बाद कौन आता है? आयन मंडल आता है। कौन? आयन मंडल। आयन मंडल कितनी होती है? आयन मंडल की होती है 80 से 640 किलोमीटर। कितनी? 80 से 640 किलोमीटर। फिर बहिर्मंडल की कितनी होती है? तो बहिर्मंडल की होती है 640 से अधिक। कितना? 640 से अधिक जो लंबाई है वह किसकी होती है? बहिर्मंडल की। 640 तक किसकी है? 640 तक आयन मंडल की। 640 से अधिक जो है वो किसकी है? बहिर्मंडल की है। तो अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वह हमारी पाई जाती है 18 से 50 किलोमीटर तक। कितने तक पाई जाती है? 18 से 50 किलोमीटर तक। तो अभी हमने पढ़ा कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर तक होती। कभी कभी आपको 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगा। तो पहले का उत्तर क्या हो गया हमारा सही? वह हो जाएगा समताप मंडल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमारा, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। पृथ्वी के जो सबसे करीब में जो मंडल है, मतलब कि पृथ्वी की सतह से सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? अभी हमने पढ़ा था कि जो 0 से 18 किलोमीटर तक था, कौन था 0 से 18 किलोमीटर तक था? वह था हमारा क्षोभ मंडल। कौन था वह? हमारा क्षोभ मंडल था। क्षोभ मंडल जो है वह पृथ्वी के सबसे करीब भी स्थित है। जो पृथ्वी की सतह से सबसे पहले लगा रहेगा वही स्थित होगा। अगले प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर का है, सूर्य का समीपतम ग्रह। समीपतम मतलब कि सूर्य के जो सबसे नजदीक है। अपने को पता है कि हम टोटल कितने ग्रह हैं हमारे, ये मान लो सूर्य है, तो इसके बाद में जो पहले नंबर का ग्रह आता है वो कौन सा है? हमारा बुध है। कौन सा है? बुध है। तो हमसे पूछा क्या है यहाँ पर कि सूर्य के सबसे समीपतम ग्रह कौन सा है? तो सबको पता है कि सूर्य के सबसे समीपतम ग्रह कौन सा है? हमारा ए नंबर का बुध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह का नाम बताना है। तो 8वें नंबर का जो ग्रह है वह कौन सा है? वरुण ग्रह है, जो ठंडा ग्रह के नाम से भी हम कह सकते हैं, जाना जाता है। तो सूर्य के सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वह कौन सा है? वरुण ग्रह है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5वां प्रश्न है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? यहां पर आपसे तारा नहीं पूछा है। अगर तारा रहता तो आप साइरस लगा देते हैं, लेकिन
आपसे यहां पर ग्रह पूछा है तो ग्रह बताना है आपको सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो जो सूर्य के सबसे नजदीक होता है वही तो क्या होगा, क्योंकि उसे अधिक प्रकाश मिलेगा ना, तो सूर्य के नजदीक होने के कारण वो अधिक प्रकाशित होगा, इसलिए बुध हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे चमकीला या तीव्र ग्रह जो है वह है बुध है। तो पांचवे का सही उत्तर सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छठवां प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां भी, लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, रक्तिम धब्बा वाला ग्रह किसे कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। तो लाल ग्रह हम मंगल को कहते हैं। मंगल के दो उपग्रह भी याद रखेंगे आप, दो उपग्रह कौन कौन से हैं, फोबोस और एक कौन सा है, फोबोस, और एक दूसरा ग्रह क्या है, डिबोस या डिमोस भी लिखा रहता है, ये भी याद रखेंगे, फोबोस और डिमोस। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सातवां, तो छठवें का सही उत्तर क्या था हमारा, ए है। ठीक है, अब सातवें प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है। सबसे सिंपल सी बात है, ऐसे तत्व का नाम बताइए जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो एक ही तत्व है जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वह अत्यधिक मात्रा में किसी भी जीव को जीवन यापन के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है, हम उसे माना जाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, इतना भी याद रखना है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें, तो पेड़ पौधों से मिलती है हमें। O2, O2 कहाँ से मिलती है हमें, पेड़ पौधों से मिलती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि O2 का वो क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं, मतलब कि O2 को वो छोड़ते हैं और CO2 को कैसा करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आठवां प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है जिसकी जनसंख्या, सॉरी मतलब कि जनसंख्या बताना, उपग्रह किसके अधिक हैं, लेकिन आपको याद रखिए कि जो सबसे बड़ा ग्रह होगा उसी के उपग्रह क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। तो बताइए हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, आठों आठों ग्रहों में से कौन सा है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह माना जाता है, और यही सबसे बड़ा ग्रह भी है। अर्थात आठवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आठवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो गया। नौवां प्रश्न के पे चलते हैं। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, यह प्रश्न तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो गया होगा। आपको सबको पता है कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। सभी लोग तारामंडल ना लगाएं, याद रखिए कौन है, आकाशगंगा जो है वह मतलब कि जो सौरमंडल है वह कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, तो वो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। कौन सी, मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। कई बार मैंने देखा है लोग तारामंडल लगा के आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है बच्चों आपको, आपको करना क्या है, मंदाकिनी पर ही टिक लगाना है। हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा जो नाम से जानी जाती है वो मंदाकिनी आकाशगंगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दसवां, भोर का तारा किसे कहा जाता है। भोर मतलब होता है सुबह का समय, सुबह जो 4 बजे का समय रहता है, लगभग 4 से 6 का समय समझो, वही भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, शुक्र ग्रह को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकीला तारा, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, डी नंबर का सही हो जाएगा। डी नंबर का क्या है, साइरस। साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है आकाश में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है वह है हमारा वायजर i, अर्थात डी नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 12वें का सही उत्तर क्या है हमारा, डी नंबर का है। कौन से नंबर का, डी नंबर का, वायजर i। 13वां प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो जो टाइटन है यह बहुत ही फेमस उपग्रह है, इसे सभी को याद रखना चाहिए कि यह किसका उपग्रह है।
तो जो टाइटन है वह शनि ग्रह का उपग्रह है। याद रखिए मंगल के अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फोबोस और डिबोस हैं। बृहस्पति का भी गैनेमेड याद रखिए, सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखेंगे। तो 13वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। टाइटन और जो उपग्रह है वह शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ऐसे ग्रह के नाम बताना है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऐसे ओनली हमारे 8 ग्रह में से 2 उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, और वो दोनों उपग्रह हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है वह बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों ये वाला। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? मित्रों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अगर पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें हौसला मिलता है मित्रों। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र सबसे ज्यादा जाने जाने वाला चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, याद रखेंगे चंद्रमा। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में बताना है कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो सभी याद रखिए 89 टोटल तारामंडलों की संख्या है अंतरिक्ष में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17वां, सूर्य के सबसे निकट का तारा है। ग्रह ने पूछा है, आप ग्रह अगर यहां ऑप्शन में रहता बुध तो आप जरूर उसे लगा देते हैं खटनेरी बहुत जल्दी से ही। यहां पर आपसे पूछा क्या है? सूर्य के सबसे निकट का तारा है। सूर्य के सबसे निकट का तारा हमें बताना है। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सीमा सेंचुरी है। प्रोक्सीमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 18वें प्रश्न पे चलते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी रहती है? वायु में अन्य गैसों का मिश्रण रहता है, आपको ये तो पता होगा। कौन कौन सी? आपको नाइट्रो ऑक्सीजन का पता है, नाइट्रोजन का पता है, मतलब कि ऐसी अनेक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, ओजोन रहती है, सभी गैसें रहती हैं। अब यहां पर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछा है वायु में, तो वो रहती है 0.03%। कभी कभी मित्रों ऐसा भी लिखा आ जाता है 0.003%, और आप यही लगा के आ जाते हैं ऑप्शन में। याद रखिए कि 0.03% बस आएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी? 0.03%। 18वें का सी उत्तर सही है। 19वें प्रश्न पे चलते हैं, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? सबसे ऊपरी बताना है। अपने को अभी पृथ्वी से जुड़ी हुई सतह का नाम पूछा था तो आपने जल्दी से बता दिया था वो क्षोभ मंडल है, लेकिन यहां पर आपसे पूछा है वायुमंडल की सबसे ऊपरी, मतलब कि क्षोभ मंडल के बाद कौन आती है? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद कौन? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद कौन? आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद कौन आती है? बहामंडल आती है या बहिर्मंडल, के दो नाम से जाना जाता है, बहामंडल या बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो कौन सी हो जाएगी? डी नंबर की हो जाएगी, बहिर्मंडल, जिसकी ऊंचाई क्या कह सकते हैं अपन? ऊंचाई कह सकते हैं 640 किलोमीटर से ऊपर की जो परत है वो बहिर्मंडल की, अर्थात 640 किलोमीटर के ऊपर वाली परत। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न रहेगा ये हमारी श्रृंखला का आज की। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का पूछा है, सूर्य के प्रकाश को नहीं पूछा, पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सभी याद रखेंगे 1.3 सेकेंड बस लगता है, जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट 16 या आपको कभी कभी 20 सेकेंड भी दिखा मिल जाता है, लिखा मिल जाता है, तो जरूर याद रखें उसको भी, 8 मिनट 16 सेकेंड जरूर याद रखें। लेकिन अभी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंचता है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। तो 20वें का भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मित्रों आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं विज्ञान की श्रृंखला अभी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि अब हम अगले वीडियो में, मतलब कि विज्ञान के तो रहेंगे ही, अपनी विज्ञान की श्रृंखला चलेगी ही साथों साथ, लेकिन अब मैथ्स की भी श्रृंखला हम लेके आ रहे हैं। तो मैथ्स की श्रृंखला के लिए आप लोग तैयार रह जाएं, हम उनमें उन्हीं प्रश्नों को या उन्हीं उस टाइप के प्रश्नों को चुनेंगे जो परीक्षाओं में आपके आते हैं।
ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उठा के आपको वीडियो बनाना है वहां भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ओनली इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही लेके आएंगे आप लोगों के लिए, या ऐसे ही प्रश्नों को लेके आएंगे जिस टाइप के, मतलब कि जैसे जो सिक्वेंस रहता है उनका आने का परीक्षा में, वैसे ही लेके आएंगे। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।